हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 16th of जुलाई अगस्त को किस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहेंगे। आज के दिन परफेक्ट यहाँ पे हॉल टाइप कैंडल बनाया है, ठीक है। तो अगर कल के दिन या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 1590 का लेवल निकाल रहा होगा तो समझ जाइए और ये नीचे आने वाला है और लगभग लगभग ये जो लेटेस्ट स्विंग है हमारा 1550 के आसपास, 1556 के आसपास ये वाला स्विंग अब ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक और कैंडल यहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद धीरे धीरे इस कैंडल में इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तब हम मान के चलेंगे यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमने ऑप्शन ले लिया है इस जोन में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ पे ऑलरेडी अच्छी बाइंग हो गई, अच्छी सेलिंग हो गई, तो यहाँ पे इसके साइडवेज जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे सिनारियों में अगर कोई जाके इस जोन में फंस जाता है, क्योंकि अगर देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये छठा वीक चल रहा है और इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस जोन में किसी ने ऑप्शन बाई कर लिया दूर का या पास का और इसके बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है, तो उनके ऑप्शन डाइल्यूट हो जाएंगे और उनका जो भी PEC होगा जीरो हो जाएगा। ऐसे सिनारियों में बहुत ज़्यादा हम लोग को लॉस हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ, देखिए मेरे से आप पूछेंगे एग्जिट कर दूँ या फिर क्या करूँ, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के किस बेसिस पे वहाँ पे एंट्री लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन ट्रेड करता हूँ या फिर मैं सपोर्ट ट्रेड करता हूँ। ट्रेंड लाइन ट्रेड करता हूँ तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ और यहाँ पे सपोर्ट ट्रेड करता हूँ, तो सपोर्ट का लो जो होता है मेरा SL होता है, हिट हुआ तो मैं एग्जिट, अदरवाइज मैं होल्ड करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार आप डिसीजन लीजिए, अपना एक रूल बनाइए एंड उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आप जल्दी फंसेंगे नहीं किसी भी ट्रेड शेयर में। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ऊपर की ओर टच करके नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर ये 1589 का अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो होपफुली टेक्निकली इसको 1470 के आसपास आना चाहिए और ये वाला लेवल हिट करना चाहिए, क्योंकि देख रहे होंगे किस तरीके से इस तरीके के चैनल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है। क्योंकि इसके नीचे आता है तो फिर ये ब्रेकआउट लेवल बचेगा 1550, और जैसे ये लेवल होगा इसका 50% आ जाएगा और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा ये इस जोन में आने की कोशिश करेगा और ये ट्रेंड लाइन एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। फिर से देखेंगे अगर नैरो होता जाएगा तो बाद में ट्रेंड लाइन के ऊपर या इसके नीचे हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग कुछ ट्रेंडिंग यहाँ पे प्लान कर पाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 2-3 दिनों से इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा गैप डाउन के बाद ये सिनारियो बनाया तो हो सकता है 1-2 दिनों और इसके बीच में हो सकता है फ्राइडे के दिन इसके बीच में ही यहाँ पे ये ट्रेड करता रहे और हम लोग को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे ट्यूजडे कुछ बड़ा मोमेंटम दिखा है। एनीवे अगर यहाँ पे हम लोग को ये लो 1600 का लो ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग को रिसेंट लो 1590 वाला लेवल देखने को मिल सकता है एंड ऊपर की ओर लगभग लगभग अगर 1618 निकालता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को 1628 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। थैंक यू।